उत्तराखंड कांग्रेस के अंदर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। यह जंग भी भाजपा से नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के उन्हें सार्वजनिक नेतृत्व की पंक्ति से हटाने और इंदिरा हृदयेश या प्रीतम सिंह का चेहरा बनाने वाले ट्वीट के बाद कोल्ड वार शुरू हो गया है। अब नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने फिर से हरीश रावत पर न सिर्फ तीखी टिप्पणी की है बल्कि इशारों इशारों में बहुत कुछ कह दिया है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि हरीश रावत क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं, वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। ब्लॉक प्रमुख से मुख्यमंत्री तक इतनी लंबी राजनीति करने के बाद भी वो पूरी तरह से आजाद हैं। हम उन पर नियंत्रण लगा सकते हैं, ना ही रोक लगा सकते हैं। इंदिरा हृदयेश ने कहा कि उनकी हरीश रावत से केवल एक ही प्रार्थना है कि वह ऐसा माहौल बनाए कि जनता कांग्रेस के पक्ष में वोट करने को तैयार हो, ना कि उनसे दूर भागने के। अब हरीश रावत जी आजाद हैं, जो चाहे वो कहे। हम उन पर ना नियंत्रण लगा सकते हैं ना रोक लगा सकते हैं, लेकिन हमारी तो उनसे यही प्रार्थना है कि ऐसा वातावरण बनाए जिससे जनता वोट देने को तैयार है, वो भागे ना हमसे। लगातार सोशल मीडिया के जरिए ट्वीट करते जा रहे हैं, कई ऐसा लगता है कि कांग्रेस एकजुट होने के बजाय अलग अलग बिखराव की स्थिति में दिख रही है। देखिए, हम लोग सब एकजुट हैं। अब जिनकी महत्वाकांक्षा होगी वो एकजुट नहीं होना चाहते। मैडम, ऐसा लगता है इस तरह के बयानों से जनता के बीच में गलत मैसेज जा रहा, नुकसान। अब ये कोई वो नए आदमी थोड़ी है, उन्हें राजनीति करते हुए ब्लॉक प्रमुख से लेकर मुख्यमंत्री तक सब बन चुके हैं, वो राजनीति को खूब समझते हैं। तो क्या वो खुद को चेहरा घोषित कराना चाह रहे हैं इस तरह के लगातार? घोषित कराना चाह रहे हैं, हमें तो कतई आपत्ति नहीं, लेकिन ये काम केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। वो अपना चेहरा घोषित करा दें, हम में से कोई विरोध नहीं करेगा। वो कह रहे हैं कि इंदिरा जी के चेहरे पर लड़ा जाए चुनाव या प्रीतम सिंह, किसी को तो चेहरा बनाया जाए। आज तक बना था क्या कभी? आप लोगों को भी एक लंबा समय हो गया, और चेहरा बना था इस चुनाव में जिसमें हम 11 आ गए, तो हरीश रावत ही तो चेहरा थे, वही मुख्यमंत्री थे, वही चेहरा थे। वो कह रहे हैं कि चेहरा घोषित होने से ये होगा कि दोनों पार्टियों का मुख्यमंत्री ने तो चुनाव मोदी बनाम कांग्रेस हो जाएगा। ऐसा है, वो क्या कह रहा है, इसके झगड़े में हम नहीं। सच ये है कि वो भी मुख्यमंत्री रहते हुए दो सीटों पर चुनाव लड़े, दो पर नहीं लड़ना चाहिए था, हमसे तो राय ली नहीं गई थी, और हम एक जिले में एक भी नहीं जीत पाए। अगर जीत पाते तो 13 विधायक तो होते कम से कम। मतलब सार्वजनिक नेतृत्व की श्रेणी से हटाने को भी कह रहे हैं। अब ये वो क्या कह रहे हैं, उसे जो हटाए, ये बयान मेरा तो है नहीं, ये तो प्रदेश प्रभारी का है।